गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया. बम स्फोट की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को, नाम है जिसका जगदीश उइके. देश भर में एयरलाइन को धमकी भरे कॉल करके दहशत फैलाने वाले व्यक्ति को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस व्यक्ति को नागपुर पुलिस ने नागपुर शहर के मनीष नगर से गिरफ्तार किया है. इस व्यक्ति का नाम जगदीश उइके है, जबकि इसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है. ये मूलतः गोंदिया जिले का रहवासी है. जगदीश उइके ने जनवरी महीने से लेकर अब तक कई स्थानों में बम रखने और विस्फोट की जानकारी मेल के द्वारा दी थी, जो कि बाद में झूठी सही हुई. इतना ही नहीं, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच कुल 30 स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी देने वाले मेल भी जगदीश ने किए थे. आरोपी जगदीश उइके ने हैरत अंगेज तौर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महासंचालक रेलवे सुरक्षा दल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राजनीतिक नेताओं और बड़े अधिकारियों को ईमेल भेजे थे. पुलिस ने ईमेल भेजने वाले युवक की पहचान उसके आईपी एड्रेस से की है, जिसमें सामने आया कि ये मेल जगदीश उइके नामक व्यक्ति ने ही भेजे है. धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने मेल में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने की शर्त भी रखी थी और कहा था कि वो फडणवीस से मुलाकात करके विस्फोट के संबंधित सभी जानकारियां बताएगा. जगदीश के ईमेल के अनुसार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर 6 विमानतल है. इसके अलावा इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया जैसी कंपनियों के 31 विमानों को अपहरण किया जाएगा. इस तरह के लगातार ईमेल धमकी मिलने से नागपुर पुलिस ही नहीं बल्कि देश भर में सुरक्षा जांच एजेंसी हरकत में आ गई थी और एक दहशत का वातावरण था. सभी लोग चिंतित और परेशान थे, जिसके वजह से न जाने कितनी ही फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. सुरक्षा व्यवस्था को तनाव रहा और आम नागरिक भी परेशान रहे. खास बात यह है कि जगदीश अपने मेल में उस जगह को कोड में बताया करता था. आश्चर्य की बात है कि 28 अक्टूबर को जगदीश ने दिल्ली का दौरा किया और 28 अक्टूबर को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के विभाग में गया, जहां पर उसने कुछ दस्तावेज डिस्पैच भी किए. इस संदर्भ में नागपुर पुलिस के डीसीपी लोहित मटाने ने बताया है कि आगे सुनिए. नागपुर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है उइके नाम के. क्या पूरा मामला है, उसने सरेंडर किया है या फिर नागपुर पुलिस ने उसको पकड़ा है? नागपुर पुलिस ने एक जो शख्स है जगदीश उइके, उसको अरेस्ट किया है. सरेंडर उसने नहीं किया है और उसके अंतर्गत उस पर गुनाह दाखिल किया है 353(1)(b), 353(1)(c) और 353(2). इसमें उसने जो गुनाह किया है, उसने कुछ मैसेजेस भेजे हैं अलग अलग समय पर एयरलाइंस को, क्या कहते हैं, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अलग अलग अधिकारियों को, जिसमें उसने बताया है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और क्या कहते हैं, कहीं बम लगाए गए हैं, मार्केट प्लेस में बम लगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन में बम लगाए गए हैं, एयरपोर्ट पर बम लगाए गए हैं. इस तरीके से उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पूरी यंत्रणा उसमें लग जाती है. और ऐसी जानकारी भी है कि उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ईमेल्स उसने किए हैं, इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया, उस पर गुनाह दाखिल किया है और अभी आगे की तपास चालू है. वो कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है और कौन से लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोग सीज कर रहे हैं. सर, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला है, क्या मकसद है इसका, किस तरीके की बातें कर रहा था वो? जगदीश उइके जो है 35 साल का है, एक लेखक भी है और नागपुर का ही रहने वाला है. वैसे ओरिजिनली चंद्रपुर का रहने वाला है, अभी नागपुर में वो रहता है. और इसका जो अभी तक की तपास में उसका मकसद क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक की जो उसके कहने पे से मकसद समझ में आ रहा है कि वो केवल एक स्टंट करने के लिए. लेकिन जो इसके पीछे का जो सीरियसनेस है वो ये है कि जब इस प्रकार के ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो पूरी यंत्रणा उसमें बिजी हो जाती है, बहुत सारा उनका इकोनॉमिक लॉस भी होता है. और सही में अगर कुछ इस प्रकार का थ्रेट रहता है तो वो उसका जो नेचर है थोड़ा सा डोसाइल हो जाता है, उनको लगता है कि हो सकता है कि दोबारा से होक्स कॉल हो. तो ये इस प्रकार का उसका उद्देश्य है.
क्या वजह थी कि वो डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जिससे मिलने की बात करता था, कोई कोड बताना चाहता था, कोड है उसके पास जिसको वो बताना चाहता था, प्राथमिक पूछताछ में क्या बात सामने आई है? देखिए, कोड जो उसने बताया है वो उसने अपने मन से बनाया है। उसने एक मार्केट प्लेस के लिए एम, बाजार के लिए बी, इस तरीके से रेलवे चेन के लिए आर करके उसने कोड उसने बनाया है। बेसिकली अभी तक जो उसका उद्देश्य समझ में आ रहा है वो यंत्रणा को क्या कहते हैं एक जगह डाइवर्ट करना, और जिस डाइवर्ट होने के बाद क्या कहते हैं कि सारा एनर्जी उसमें लग जाएगा, और कभी अगर सही में थ्रेट होगा तो समय पर जो यंत्रणा वीक हो जाएगी और उसको जो अलर्टनेस है वो कम हो जाएगी, इस प्रकार का उसका उद्देश्य दिख रहा है। सर, नागपुर पुलिस कैसे उसको ट्रेस कर रही थी और किस तरह से उसे पकड़ा गया, और प्राथमिक तौर से पुलिस को क्या क्या उसके पास से मिला जिससे प्रूफ हो सके कि वो उसने एक थ्रेट किया था? नागपुर पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी उसके रिश्तेदारों के थ्रू, और जिस प्रकार की जो पुलिस की पद्धत रहती है उसके थ्रू हमने उसको अरेस्ट किया। प्राथमिक तौर पर उसका मोबाइल फ़ोन सीज हुआ है, जिसमें से साफ ये दिख रहा है कि उसके ही जीमेल से, मोबाइल फ़ोन में जो जीमेल है उससे ये मेल भेजा गया है। एक पुराना भी ईमेल अभी तक पाया गया है जो चार दिन पहले जो अलग अलग एयरलाइंस को भेजा गया था। ये प्रकार के और कुछ गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए गए हैं जिसमें इस प्रकार के अलग अलग थ्रेट वाले डॉक्यूमेंट्स उसमें दिख रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके पास केवल एक डिवाइस नहीं है, और भी चार पांच डिवाइसेज हैं, तो उनको हम लोग अभी पीसीआर लेके जब्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तपास करेंगे। सर, उसने किताब भी लिखा है, किस विषय की किताब लिखा है, और क्या मानते हैं कि वो आतंक अपराधी है या फिर वो सिर्फ अपना पब्लिसिटी के लिए सब कर रहा था? किताब उसने जो लिखा है वो आतंकवाद के ऊपर में लिखा है, अमेज़ोन पे अवेलेबल भी है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसमें अगर पब्लिसिटी के लिए करना एक बात है, लेकिन इस प्रकार का क्राइम करने की वजह से जो पूरी यंत्रणा एक जगह पर लग जाती है और उसको आने वाली जो अलर्टनेस है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है कि एक जगह पर यंत्रणा को डाइवर्ट करना, और फिर जब सही में कुछ इस प्रकार का हो तब यंत्र अलर्ट ना रहे, इस प्रकार का भी हम उस पर तपास कर रहे हैं। जांच में कुछ ऐसा कुछ पता चला है, सामने आया है क्या पुलिस को कि जिस तरीके से वो ऐसे थ्रेटन मेल्स करता था तो कहीं आतंकी संगठन से उसके संबंध या किसी एजेंट के रूप में वो काम करता, ऐसा कुछ नहीं? अभी तक तो उसके संबंध किसी एजेंट के बाद, क्योंकि अभी कल रात में ही अरेस्ट किया है, तो अभी हम उसके डिवाइसेज वगैरह अभी जब्त कर रहे हैं। अभी पीसीआर के लिए पहले लेके जाएंगे डिवाइसेज, फिर जब्त करेंगे, उसके बाद फिर हमको आतंकवादी संगठनों के साथ क्या संबंध है, ये जो जानकारी दे रहा है कि इस जगह पर बॉम्ब लगाए गए हैं, ये जानकारी उसको कहाँ से मिली, ये सब चीज़ों की तपास अभी बाकी है। सर, देवेंद्र फडणवीस से घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या मानते हैं उके ने जो थ्रेट दिया था उसके वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है? वो नहीं, उनके फडणवीस जी के घर पर और सभी जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके इनपुट पर बढ़ाई गई है। अब वो केवल मुझे नहीं पता, लेकिन केवल इसकी वजह से नहीं है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ाई गई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।